मुसलमानों का, ये आक्रमणकारी मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ, उसके बाद ये शब्द भारत में आया। और ये बात उपाध्याय जी कबूल करते हैं जी, और ये बात कबूल करना आसान काम नहीं है, मगर उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि ये काम मतलब नाम हिंदू जो है ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। तो आजकल ब्राह्मण लोग गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसा प्रचार करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण लोग मुसलमानों का विरोध भी करते हैं और मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम अपने धर्म को, हिंदू धर्म ये जो शब्द है, हिंदू शब्द है, ये दिया हुआ नाम भी स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम खुद नहीं दिया है। ब्राह्मण दूसरों के घरों में जाते हैं और दूसरों के बच्चों का नामकरण करते हैं, बड़ी हैरानी की बात है, अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पाए जी। आजकल मुसलमान, वो भी आक्रमणकारी मुसलमान, आक्रांता मुसलमान, उनका दिया हुआ नाम स्वीकार करते हैं, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। ब्राह्मणों को शर्म लगना चाहिए कि वो ब्राह्मण का विरोध भी करते हैं और ब्राह्मण का दिया हुआ नाम स्वीकार भी करते हैं, एक बात जी। दूसरी बात, इसका मतलब है उन्होंने अपने धर्म को मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, वो अपने धर्म को आगे कहते हैं कि बता दिया ना भाई, हिंदू शब्द 1000 साल पहले अस्तित्व में आया, यह नाम मुगलों ने दिया, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है जी। सनातन शब्द भी उन्होंने बुद्ध से चुराया, एस धम्मो सनातनो, ये जो पाली का वाक्य है कि यह धर्म सनातन है, एस धम्मो सनातनो, यह धम्म जो है ये सनातन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मनुष्य का जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, इस दुनिया में कोई भी चीज जो जन्म लेती है उसका मृत्यु तय है, इस विचार को बुद्ध ने सनातन सत्य का, इसको सनातन सत्य का, और ये सनातन शब्द उपाध्याय जी ब्राह्मणों ने इस शब्द को भी बुद्ध से चुरा लिया। उपाध्याय जी अभी जो हिंदू शब्द है वो भी मुसलमानों का दिया हुआ है, सनातन शब्द भी बुद्ध से चुराया हुआ है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अपना क्या है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा कुछ है। तुम कहते हो वैदिक धर्म, ऐसा शब्द प्रयोग तुम करते नहीं हो, तुम ब्राह्मण धर्म, ऐसा कहना चाहिए कि हमारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, ऐसा तुमको कहना चाहिए, ईमानदार से कहना चाहिए। ब्राह्मण लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, मगर ब्राह्मणों के धर्म का ओरिजिनल धर्म का जो नाम है अगर उसको वैदिक कहते हैं, तो वैदिक में जो पुरुष सूक्त है वो वर्ण धर्म को मानता है, वर्ण धर्म का अर्थ ही ब्राह्मण धर्म है, और वर्ण धर्म में ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय है,
वो क्षत्रिय इस बात की निजता को स्वीकार क्यों करते हैं? वैश्यों के बारे में गीता में लिखा हुआ है, स्त्री शूद्र और वैश्य पाप योनि है, इसका मतलब है इनका जन्म ही पाप है। इस वजह से तो वैश्य लोग बड़े पैमाने पर जैन धर्म में धर्म परिवर्तित हो रहे, राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे, गुजरात में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जैन धर्म में धर्म परिवर्तित हो रहे, सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। और ब्राह्मण को जैन धर्मी वो लोग जो है ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं मानते, जैन धर्म में ब्राह्मणों को गुरु मानने के विरोध में जी। तो ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं